यूपी में तीसरे फेज की 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। इन सीटों पर हवा का रुख क्या है, ये जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम आगरा, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, बरेली, आंवला, संभल, बदायूं और एटा पहुंची। हवा का रुख कहता है कि 4 सीट पर भाजपा को बढ़त है, जबकि 4 सीट पर भाजपा सपा में सीधी टक्कर है। ये सीट फतेहपुर सीकरी, आंवला, बदायूं और संभल है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 10 में से 8 सीट जीती थी। वहीं 2 सीट मैनपुरी और फिरोजाबाद पर सपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले आगरा का हवा का रुख समझने के लिए हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट हिमांशु त्रिपाठी के पास पहुंचे। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी वही होने जा रहा है और यहां सीधे बीजेपी के एसपी सिंह बघेल और बसपा की पूजा अमरोही के बीच जो है टक्कर होगी। और इस बार भी एसपी सिंह बघेल पूरी दमखम के साथ जो है चुनाव मैदान में है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हवा के रुख की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट मुलायम सिंह की बहू और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर जयवीर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ पे देखिए, सपा की जो बढ़त है उसके पीछे जातीय समीकरण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। करीब 17.5 लाख यहाँ मतदाता हैं लोकसभा क्षेत्र में, और उनमें 4 लाख करीब यादव है जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद 7 के मतदाता आते हैं 2.5 लाख के आसपास। हाथरस में हवा का रुख भाजपा की तरफ बहता दिखा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कृष्ण बिहारी की माने तो 2 चुनाव भाजपा जीतती आ रही है, इसलिए बीजेपी के लिए ये सेफ सीट है। हाथरस में हमने एक्सपर्ट से बात की तो हवा के रुख के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच है। हालांकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो थोड़े ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, उनका बाहरी होना एक मुद्दा है। वहीं फतेहपुर सीकरी सीट बचाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। यहां हवा का रुख कहता है कि भाजपा अंदरूनी बगावत से जूझ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का असर कम कर पाएगी, तो इस पर सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद सिंघल का कहना है कि इससे कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है, फाइट टफ हो चुकी है। फिरोजाबाद को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र पांडे कहते हैं कि फिरोजाबाद में सपा मजबूत चुनाव लड़ रही है, जातिगत समीकरण भी सपा के पक्ष में है। हमने जब यहाँ एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना है कि फिरोजाबाद सीट पर जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन दोनों के बीच में है। समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रोफेसर रामगोपाल के जो बेटे हैं अक्षय यादव, वो चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को यहाँ मैदान में उतारा है। संभल का हवा का रुख समझने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार भीष्म सिंह देवल के पास पहुँचे। जो चुनावी नतीजा है वो इस बात पर प्रभावित करेगा कि दलित मतदाता किधर जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है उसमें दलितों को अपने साथ उनका एक बड़ा पार्ट ले जाने में कामयाब हो पाती है तब भाजपा की तरफ गेम जाता दिखेगा, अन्यथा समाजवादी पार्टी के लिए यहां आसान रहा दिखती है। बरेली का माहौल समझने के लिए हमने 3 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय अशोक शर्मा से बात। शहर जो है, ये लोकसभा शहर जो है, ये बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो अब देख, चूंकि प्रत्याशी जो दूसरे पक्ष के हैं प्रवीण सिंह ऐरन, वो पहले कांग्रेस में थे, अब समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, इसमें देखा जा रहा दोनों में आपस में अच्छी टक्कर होगी, ये देखने को आ सकता है। इसके बाद हमारी टीम आंवला लोकसभा सीट का माहौल समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनुरोध भारद्वाज के पास पहुंची। सपा गठबंधन की ओर से इस बार शाहजहांपुर के रहने वाले पूर्व विधायक नीरज मौर्य, जो कभी बसपा से विधायक हुआ करते थे, उनको मैदान में उतारा है। और बसपा ने आंवला, एक बड़ा टाउन एरिया है यहाँ की, वहाँ के मौजूदा चेयरमैन सैयद आबिद अली को मैदान में उतारा है। ये सैयद आबिद अली चुनाव से पहले तक समाजवादी पार्टी का बड़ा कद्दावर मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अचानक इन्होंने पाला बदला और बसपा का टिकट हासिल किया। अब इस तरह का अगर देखा जाए तो फिलहाल 3 प्रत्याशी हैं, तो कहा नहीं जा सकता किस तरह का संघर्ष है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे राज्य के हालात के तौर पर इसको देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। बदायूं का हवा का रुख कहता है कि यहां भाजपा और सपा में टक्कर है, कहा नहीं जा सकता कि कौन जीत सकता है। समाजवादी पार्टी को एक प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उनके पिताजी प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव, उनका उनके लड़के को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से यहाँ आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से दुर्विजय सिंह शाक्य हैं, जो ब्रज प्रांत के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। इससे पहले देखिए, यहाँ बता दें, भाजपा कभी बहुत टाइम से भाजपा की सीट नहीं निकली थी, लेकिन लास्ट पिछले चुनाव में
भाजपा कुछ ही मतों से यहां से जीती। एटा लोकसभा सीट के चुनावी माहौल पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा का कहना है कि वर्तमान में चुनावी माहौल भाजपा सपा के बीच है। अभी माहौल वर्तमान में भाजपा और सपा के मध्य रहेगा और उसके पीछे कई वजह हैं कि नंबर वन जो भाजपा का प्रत्याशी जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वो सब केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आधार पर चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने शाक के प्रत्याशी को उठा के भाजपा के लिए मुसीबत तो खड़ी करी दी है क्योंकि शाक के एक निर्णायक भूमिका में मतदान करता है। कुल मिलाकर पश्चिम की 10 में से 4 सीट पर भाजपा सपा की टक्कर है। मैनपुरी फिरोजाबाद में सपा की राह आसान नजर आ रही है, वहीं 3 सीट पर भाजपा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।